हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन टैलेंट। यू आर वाचिंग कंबाइंड एम्स एग्जाम वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूपनिया इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यूपनिया मींस रिदमिक नॉर्मल ब्रीथिंग एट रेस्ट। एट रेस्ट यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग को ही यूपनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैक्सीनेशन कोजिंग इंटूसेप्शन। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ इंटूसेप्शन क्या होता है। जब जो भी इंटेस्टाइनल होती है उसकी एक वाल से दूसरी वाल के अंदर एंटर कर जाना, उसको इंटूसेप्शन बोलते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रोटोवायरस की वजह से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेग्री बॉडीज किसके अंदर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी मिड ब्रेन एंड ऑप्शन डी मेडुला ओब्लॉन्गाटा। राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस के अंदर नेग्री बॉडीज पाई जाती हैं, जिस प्रकार टीबी के अंदर गॉन्स ट्यूबरकल्स गॉन्स बॉडी पाई जाती हैं, बोन बॉडी, तो उसी प्रकार हिप्पोकैम्पस के अंदर नेग्री बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सॉफ्ट टिक्स किसके द्वारा ट्रांसमिट होती हैं? वो होती हैं ऑप्शन ए रिलैप्स फीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच विटामिन आरडीए इज रिलेटेड टू डेली रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन्स? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का जो केमिकल नेम होता है विटामिन बी सिक्स का होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, साकी टेप इज ए यूजफुल मेथड एम्प्लॉयड इन द फील्ड टू मेजर। साकी टेप का यूज किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिड आर्म सरकमफेरेंस के लिए साकी टेप का यूज किया जाता है। तो मिड आर सर्कमफेरेंस के लिए जो साकी टेप होती है, इसके अंदर पहले थ्री कलर्स थे, अब इनको बढ़ा के फोर कलर कर दिए हैं। और कैसे किए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट वन इसके अंदर ग्रीन कलर होता है जिसका मतलब होता है नॉर्मल। सेकेंड वन इसके अंदर येलो कलर होगा जिसका मतलब होगा माइल्ड माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन मतलब थर्ड नंबर होगा ऑरेंज जो कि नया जोड़ा गया है उसका मतलब होता है बॉर्डर लाइन। और नेक्स्ट है रेड, रेड का मतलब होता है सीवियर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, फोबिया इज एग्जर्टेड और अननेसेसरी फॉर्म ऑफ। तो फोबिया को अननेसेसरी फॉर्म किसके अननेसेसरी फॉर्म के अंतर्गत लिया गया है? फियर एंगर एंजाइटी और लोभ। तो फियर की जो अननेसेसरी फॉर्म होती है उसको फोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, द चिल्ड्रंस एक्ट वॉज पास्ड इन। चिल्ड्रन एक्ट कब पास हुआ था? वो हुआ था 1960 के अंदर। इसी की तरह जो वैक्सीनेशन एक्ट है वो 1880 के अंदर पास हुआ था। और जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है वो 1929 के अंदर पास हुआ था, बाल विवाह पे रोक। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की याद रखने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर नाइन, मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ फिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज प्रोवाइड बाई। तो इसका राइट आंसर होगा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ये मोस्ट रिलायबल एविडेंस है फिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन इज डन बाई। तो जो फिब्रिनोजन और फिब्रिन होते हैं ये एंटीकोगुलेंट होते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं फिब्रिनोजन। तो जो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है वो किसकी प्रेजेंस में बनता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह थ्रोम्बिन भी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, पैराइटल सेल सीक्रेट्स। जो पैराइटल सेल्स होती हैं क्या सीक्रेट करती हैं? HCl, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस। राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCl। जो पैराइटल सेल होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एयर टेकन इन एंड आउट इन क्वाइट ब्रीथिंग इज कोल्ड। जो एयर के मतलब ब्रीथिंग के अंदर एयर इन की जाती है
एंड आउट की जाती है क्वाइटली, उस ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइम वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वाइटल कैपेसिटी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, डेंगू फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए टाइगर मॉस्किटो, ऑप्शन बी जैकाल मॉस्किटो, ऑप्शन सी वोल्फ मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी लयन मॉस्किटो। तो दोस्तों आपने अभी तक जो सुना होगा एडी जजेबटाई वगैरह जो डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, लेकिन इसके राइट आंसर की बात करें तो डेंगू के लिए यहाँ पे जो उसका दूसरा नेम होता है वो होता है टाइगर मॉस्किटो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टाइगर मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल या ट्रांसमिटेड बाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट्स इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन? तो इनमें से कौन सा सिम्टम है जो इंडिकेट करता है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन को? ऑप्शन ए एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन, ऑप्शन बी डिपेंडेंट रबोर एंड ऑप्शन सी रेस्ट पेन, और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, पेन एसोसिएटेड विद वॉकिंग। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन के लिए, पेन एसोसिएटेड विद वॉकिंग। जैसे जैसे व्यक्ति वॉक करता है तो पेन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस हैज द एडवांटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए नेजल कैथेटर, ऑप्शन बी पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, ऑप्शन सी फेस सिंपल फेस मास्क एंड ऑप्शन डी वेंचुरी मास्क। इसके अंदर ये पूछा गया है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है इन चारों में से। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क के द्वारा इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा प्रोवाइड होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, फीटल स्कल जो होता है बेबी का स्कल उसका जो शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा डायमीटर, जैसे कि फीटल स्कल होगा, जैसे जो भी थोड़ा डायग्राम ऐसे ही है, सॉरी दोस्तों, जैसे इसके डायमीटर हैं, तो कौन सा डायमीटर सबसे छोटा होगा इसके अंदर? तो ऑप्शन ए बाईपैरेटल, यानी कि ये बाईपैरेटल हो गए दोनों पैरेटल बोन के बीच का, बाई टेम्पोरल दोनों टेम्पोरल बोन के बीच का जो 3D में दिखाई देगा ऐसे दिखाई नहीं देगा उनके, वो सब ऑक्सीपिटो और ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, तो ब्रेगमा से लेके ऑक्सीपिट तक। तो ये ब्रेगमा जो फ्रंटल या मतलब एंटीरियर से लेके ये ऑक्सीपिट तक का जो होता है ये, या फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल, एक ये ऑक्सीपिट से फ्रंटल। राइट आंसर की बात की जाए इसके अंदर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाई टेम्पोरल इज द ट्रांसवर डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल वेरी शॉर्टेस्ट। इसके अंदर आपने क्वेश्चन में ही आपको ध्यान में रखना हुआ था ट्रांसवर्स की बात की जाइए, ट्रांसवर्स बाई पैराइटल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द क्लाइंट्स वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज बींग एट द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर द डेवलपिंग डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन DIC? ऑप्शन ए फोर्थ ग्रेविडा डिलीवर्ड 8 आवर आगो एंड हैज लॉस्ट 500 ml ऑफ ब्लड, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को आंसर दिखाई दे चुका है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ग्रेविडा डायग्नोस्ड विद डेड फिटस सिंड्रोम, उसी के अंदर DIC के चांस होंगे डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन के, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए 36-year-old मल्टी ग्रेविडा हु इज एट 14 weeks gestation इज शेड्यूल्ड फॉर एन अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। एक 14 वीक की प्रेगनेंसी में कोई लेडीज है और उसके अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जाता है, जो प्रोटीन की टेस्ट की जाती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड को लिया जाता है टेस्ट के लिए, द अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ, इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन किसका इंडिकेटर होगा? रीनल डिफेक्ट्स का,
कार्डियक एनोमलीज का, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, या फिर जीआई डिफेक्ट्स का। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है, और फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इसी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर एग्जिबिट्स एक्सक्रिएटरी एग्जाइटेटरी एक्शन, ट्रांसमिट्स प्लेजरेबल सेंसेशन एंड इनहिबिट्स पेन ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए गामा एमिनोबुटिरिक एसिड गाबा, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी सीरोटोनिन एंड ऑप्शन डी एंडोरफिन। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंडोरफिन। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन इज, वेरिकोज वेन का क्यूरेटिव मैनेजमेंट, स्क्लेरोथेरेपी, लेजर थेरेपी, लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग एंड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमाइनल बैनुल एंजियोप्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी। राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाइगेशन एंड स्ट्रिप्ड। तो जो वेरिकोज वेन होता है, जैसे लेग्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो उनके अंदर डायलेशन हो जाता है, तो उनके लिए उसको लाइगेट किया जाए, तो ये क्यूरेटिव मैनेजमेंट होगा वेरिकोज वेन का। तो ये थे 20 क्वेश्चंस कंबाइंड एम्स से रिलेटेड, या जितने भी नर्सिंग एम्स नर्सिंग के क्वेश्चंस होंगे एम्स में, या किसी भी मतलब पीजीआई वगैरह जो भी होगा, जिपमर पांडुचेरी वगैरह का एग्ज़ाम सब में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो के यहाँ तक के देखने के लिए। थैंक यू आप लोगों को। वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर ज़रूर करना है अपने नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।